नहीं देखिए, हत्या तो कोई, देखिए हत्या हत्या है, उसको स्टेट गवर्नमेंट या जो भी सरकारी मशीनरी होती है बहुत सीरियसली लेना चाहिए। कोई क्यों अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या करवाएगा और फिर इसको पॉलिटिसाइज करेगा। बंगाल में आप देखिए, लगातार आप देखते जाइए, मैं केवल सरकार साहब या टीएमसी के सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, आप पिछले 30-40 सालों से देखिए बंगाल में अराजकता का माहौल फैला है। मुझे तो चिंता हो रही है कि हमारा जो सोनार बंगला था उसको हो क्या गया, किसकी नजर लग गई? ये बंगाली लोग इतने हिंसक कैसे हो गए, मेरी समझ में नहीं आता। चलिए ठीक है, ठीक, चलिए मैं आपको रोकने चाहूंगा। ए के मिश्रा जी बहुत देर से दोनों की बातें सुन रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं ए के मिश्रा जी। ए के मिश्रा जी, क्या लग रहा है, अब फिर से हत्याओं का दौर शुरू हो गया क्या? धर्म की राजनीति शुरू हो गई है बंगाल में? थोड़ा बंगाल का इतिहास देखते हैं। ओमार बंगला, तुमार बंगला, सोनार बंगला, यानी मेरा बंगाल, तुम्हारा बंगाल और सोने वाला बंगाल, सोने जैसा बंगाल, ये वहां पे कहावत थी। यानी बंगाल इतना पीसफुल था, इतना वेलकमिंग कल्चर वहां के लोगों का था, बंगाली लोगों का, शांति निकेतन भी वही है और इकलौता शांति का नोबेल पुरस्कार जो भारत को मिला वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर के ये जो वंशज हैं, पता नहीं क्या हो गया बंगाल की राजनीति को पिछले 30-40 सालों से, 35 सालों से, कि वहां राजनीति जो है वो एकदम रक्त चरित्र की तरह रक्त रंजित राजनीति हो गई है। सीपीआई वगैरह के टाइम से ही देखिए वहां बहुत सारे हिंसक आंदोलन और ये सब चीजें हुए। उसके बाद एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जो रोहिंग्या वगैरह और बांग्लादेशियों को घुसपैठ कर करके वहां बसा दिया गया और अभी की सरकार और पहले की सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, उसको अपने वोट बैंक की तरह उन्होंने यूज किया। उनका काम क्या है? वो ना तो उनका काम है, वो तो लड़ेंगे और मरेंगे। वो दोनों तरफ के, देखिए मर तो बंगाली ही रहा है, वो दोनों तरफ के पार्टियों के लोगों को, ऐसे लोग असामाजिक तत्व जिनका देश से कोई लगाव नहीं है। मैं ये बॉर्डर से घुसपैठी कैसे आया, मैं केवल रोहिंग्या के पहले बांग्लादेशी नहीं आए थे, रोहिंग्या के पहले बांग्लादेशी नहीं आए थे। जिसका मुंह बंद करो, रोहिंग्या की सरकार का अपनी रोहिंग्या के पहले बांग्लादेशी नहीं आए थे, जिसका मुंह बंद कर रहा है। ये क्या हो रहा है, इस तरह से तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसी डिबेट चल रही है? और उनको अवधेश जी, संजय जी सुन लीजिए, ए के मिश्रा जी को एक बार, संजय जी मैं आपसे जवाब लूंगा, ए के मिश्रा जी के बाद आता हूँ मैं, संजय जी आप ही के पास आता हूँ। अवधेश उपाध्याय जी एक मिनट, एक मिनट दीजिए, अवधेश उपाध्याय जी आप ही के पास आता हूँ, संजय जी आप ही के पास आता हूँ। चलिए ठीक है, ए के मिश्रा जी, ए के मिश्रा जी मेरा सवाल ये है कि आज जो हत्याएं हो रही हैं, क्या हत्याओं का दौर चुनाव के बाद भी जारी रहेगा? हो जाएंगे, सरकार किसी की भी आए, हत्या का दौर क्या इसी तरह से लगातार जारी रहेगा? पहले आप ये देखिए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट का मैटर होता है, टीएमसी की जो सरकार है उसके पहले की जो सरकार, अभी हत्या का दौर नहीं है। बॉर्डर कौन देखता है? बॉर्डर, 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 बॉर्डर किसके हाथ में रहता है? पिछले 30 सालों से बॉर्डर किसके हाथ में रहता है मिश्रा जी? पिछले बॉर्डर सुनने की आदत नहीं है, मिश्रा जी बोल रहे हैं लेकिन सुनने की आदत नहीं है इनको। बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड किसके अंडर में रहते, ये पहले बोलिए। संजय जी किसी का मुंह बंद करोगे आप? सुनिए पहले, बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड किसके अंडर में पड़ता है मिश्रा जी? भारतीय जनता पार्टी को घूर खा के तो बैठ जाता है, पॉलिटिकल एनालिस्ट बन जाता है। ठीक है ए के मिश्रा जी, ठीक है ए के मिश्रा जी, ए के मिश्रा जी ठीक है, संजय जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है ए के मिश्रा जी, ठीक है ए के मिश्रा जी आता हूँ मैं, संजय जी, संजय जी आराम से, संजय जी आराम से अब आप जवाब दीजिए। कार्ड और राशन कार्ड दे रहे हैं उनको, देश का अवैध, अवैध लोगों को। भारतीय जनता, भारतीय जनता, भारतीय जनता पार्टी का घुसपैठी को इंडिया का अंदर में घुसाते हैं, घुसपैठी को भारतीय जनता पार्टी घुसाते हैं, बॉर्डर उनका हाथ में, झूठ बोल रहे हैं, हमला कैसे हुआ, झूठ बोल रहे हैं। पुलवामा हमला में आरडीएस कहां से, कौन से बॉर्डर से, ऊपर से आया ना नीचे से आया? पुलवामा हमला में, पुलवामा हमला में आरडीएस ऊपर से आया ना नीचे से आया? बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड क्या करता है? सोया रहता है, गांजा पीता है? बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड, नहीं बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड गांजा पी के बैठे रहते हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड गांजा पी के बैठे रहते हैं? नाम इस तक तीन को दवाई दे देते हैं बॉर्डर में सोने के लिए। ये ठीक है संजय जी, संजय जी वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मेरे को कहना है ना, इनको बोलना है घुसपैठी बॉर्डर से घुसते हैं उसके जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी बोर्ड
अरे दादा थोड़ी अकल लगाओ, मैंने बोला बांग्लादेश का बॉर्डर इतना स्कोर अंडर बॉर्डर है, 700 जगह इंटेलिजेंस एजेंसी और आईटी इंटेलिजेंस वो हॉर्डर के अंडर पर पड़ता है। रॉ रिपोर्ट एनालिसिस डूइंग के पर तो संजय जी, संजय जी, संजय जी, तो सीए और एनआरसी को क्यों नहीं लागू होने दे रही है ममता जी? घुसपैठी 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 आप पैसा लेकर घुसाते हैं, बैठी है तो उसने घुसपैठी आपका घुसाते हैं बॉर्डर से पैसा लेके। आप बोलिए ना क्या आप बोर्ड बस कहाँ सोया रहता है? पहले की जो बॉर्डर सिक्योरिटी बस कहाँ सोया रहता है? बॉर्डर सिक्योरिटी बस घुसाता है, आप स्वीकार कीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी बस घुसाता है, आप स्वीकार कीजिए बॉर्डर सिक्योरिटी बस घुसाता है। चलिए एके मिश्रा जी रोकना चाहूंगा, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, चलिए एके मिश्रा जी, संजय जी, संजय जी, क्या आपको लगता है कि रोहिंग्या रोहिंग्या मुसलमान बंगाल में नहीं है? संजय जी देखिए इस तरह से डिबेट नहीं हो पाएगी, अगर आप बोलते ही रहेंगे एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो इस डिबेट का कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है। एनआरसी सीए लागू होगा या नहीं बंगाल में? संजय जी ये बता दीजिए, आप बोलिए बंगाल में एक भी बांग्लादेशी नहीं है अवैध तरीके से। अरे आप घुसाता है तो घुसाता तो पुलिस को रिपोर्ट कि पिछले हम तो स्टेट में क्या होता मालूम है? वो घुसने के बाद बंगाल सरकार का क्या जिम्मेदारी है मालूम है? बोलिए तो बंगाल सरकार का क्या जिम्मेदारी होता है? अरे स्टेट लॉ एंड ऑर्डर क्या कहता है? बॉर्डर का पोरस नेचर मैंने आपको बता दिया है, बॉर्डर का वहाँ की को मदद में बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हम तो बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट का हाथ में ये रहता है उसको अरेस्ट करके जेल में रखना पड़ता है। चलिए मैं रोकूंगा आपको वरना मुझे मजबूरन। देखिए हमारे मित्र एके मिश्रा जी ने बहुत बढ़िया बात कही जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब ये पूछे संजय सरकार जी से ये किस किसका मुंह बंद करेंगे? चोर कोतवाल को डांटे, ये नहीं ये किस किसका मुंह बंद करेंगे? राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया पीछे की 30 साल की सरकारों ने और मानने को तैयार नहीं है। अरे चिल्लाने से कोई चीज़ देखिए मुद्दा ये नहीं है कि रोहिंग्या मुसलमान है या बाहरी बाहर आ गए हैं, मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अभी जो हत्याएं हो रही हैं उसके लिए क्या कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? क्या बंगाल इसी तरह से लाल होता रहेगा, इसी तरह से रक्त रंजित व बवाल होता रहेगा? उनका काम है हिंसा फैलाना और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनको जब वोटर आईडी कार्ड दे रही है अपना दमाद बना रही है चुनाव के लिए वोट बैंक बना रही है। संजय जी आप मुद्दे से भटक रहे हैं, तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना, अपनी कमी नहीं बताएंगे भारतेंद्र पार्टी के पीछे पड़े रहेंगे। सेंट्रल एजेंसी ने खून की नजर, डिबेट नहीं हो पाएगी और ना ही किसी की बात सुनाई।